हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के पाठ 12 परोपकारी सतपत्र इस कहानी के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि इस कहानी का क्या उद्देश्य है। इस कहानी का यही उद्देश्य है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें जीवों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए और हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, और इस कहानी में भगवान बुद्ध के पिछले जन्म से संबंधित बातों को बताया गया है कि भगवान बुद्ध कैसे थे। वो अपने सभी जन्मों में दयालु, अहिंसक और परोपकारी थे। ठीक है, तो आइए अब इसके कुछ अभ्यास के प्रश्नों को लिखना शुरू करते हैं। भाषा की बात। देखिए बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है और हैं का सही प्रयोग करके खाली स्थान भरिए। रोहित पुस्तक पढ़ रहा। रोहित एक वचन है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? है कि हैं? एक वचन के साथ है का प्रयोग होता है। ठीक है, आप इसमें लिखेंगे रोहित पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, और चलिए लिखते चलिए। देखिए पहले का क है, रोहित पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें आप लिखेंगे है। और ख में लिखेंगे बच्चे मैदान में खेल रहे। बच्चे बहुवचन है, तो इसमें आप हैं का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। है लिखकर यहाँ पर आप बिंदु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ग में लिखिए आप इस प्रकार क्यों करा रहे हैं। आपके साथ किसका प्रयोग होगा? हैं का, बिंदु वाला। ग में लिखिए सोहन और रमा पाठशाला जा रहे। दो बच्चे हैं ना, तो जा रहे है नहीं होगा, है होगा। लिखिए है। अंग में लिखिए मेरे गले में हड्डी का टुकड़ा फंस गया। है होगा कि है होगा? है नहीं। ठीक है, है लिखिए है। इसी प्रकार दूसरा वाला लिखिए, नीचे दिए वाक्यों को ठीक करके लिखिए। मुझे एक हिरन दिखाई दी, तो आप दी की जगह क्या लिखेंगे? मुझे एक हिरन दिखाई दिया। क्या लिखेंगे? दिया। दूसरे का क है, मुझे एक हिरन दिखाई दिया। डबल छोटी की मात्रा दिया। इसके बाद हमें आप लिखेंगे हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गई है, तो आप वाक्यों को ठीक करके कैसे लिखेंगे? हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया है। चलिए लिखिए हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया है। क्या लिखेंगे? फंस गया है। उसे किसी के कराहने की
तो आप क्या लिखेंगे? उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। दिया की जगह आप दी लिखेंगे। देखिए, उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई सुनाई दी। पूर्ण विराम। जब वाक्य समाप्त हो जाता है तब उसके आगे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। घ में लिखिए, कल शाम को मुझे बहुत तेज भूख लगा था। आप लिखेंगे, कल शाम को मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। देखिए, कल शाम को मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, नीचे दिए शब्दों के वचन बदलिए। इसमें एक वचन है पत्ता, तो आप लिखेंगे पत्ते। चलिए लिखते चलिए। तीसरा है वचन बदलना है, पत्ता का आप लिखिएगा पत्ते। कीड़ा कीड़े। टुकड़ा टुकड़े। लड़का लड़के। इसके बाद हड्डी हड्डियां। ड के नीचे हड़ंग है, इसका मतलब आधा ड है। पत्ती पत्ती में त में बड़ी की मात्रा है, जब आप वचन बदलेंगे तो हो जाएगा पत्तियां, छोटी की मात्रा में बदल जाएगा पत्तियां। घाटी घाटियां। फिर क्या है लकड़ी, इसका हो जाएगा लकड़ियां। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 है, जो चित्र का नाम नहीं है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। चित्र में जंगल है, वन है, अरण्य है, सरिता नहीं है। सरिता का अर्थ होता है नदी, तो आप सरिता पर गलत का निशान लगा दीजिए। इसके बाद है पक्षी, खग, गाय, पंछी, तो इसमें पक्षी है, गाय नहीं है, इसलिए गाय पर गलत का निशान। शेर, केसरी, सिंह, ये सभी शेर के ही नाम हैं। ठीक है, गज का अर्थ होता है हाथी, तो चित्र में शेर है इसलिए गज पर आप गलत का निशान लगाइए। इसके बाद है पेड़, पादप, तरु, विजन, तो पेड़ है तो आप विजन पर गलत का निशान लगा दीजिए। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों में वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद आप सभी को अच्छे से बताया गया है और सभी को आता भी होगा, तो आप सभी बच्चे वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है वर्णों को अलग अलग करके लिखना। जैसे लकड़ी, लकड़ी का इसमें क्या दिया है, लकड़ी जो शब्द है इसमें कितने वर्ण हैं, 6। कैसे, ल हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस अ प्लस ड हलंत प्लस बड़ी, लकड़ी। ठीक है, और हलंत हमेशा व्यंजनों के नीचे लगाते हैं, ठीक है, स्वर के नीचे नहीं लगाते, इस बात का ध्यान दीजिएगा। स्वर अपने में स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो चलिए इसके आगे वाला देखते चलिए। पांचवा है, पांचवा प्रश्न, टुकड़ा। देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, टुकड़ा का वर्ण विच्छेद करिए। ट हलंत
प्लस छोटे उ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर छोटा उ और इसमें हलंत नहीं लगेगा, व्यंजन में हलंत लगेगा। इसके बाद क हलन अ, क में अ ध्वनि छुपी हुई है, क बोलने पर अ की ध्वनि निकल रही है, ठीक है, क इसलिए क हलंत प्लस अ। इसके बाद प्लस ण हलंत प्लस आ, आ की मात्रा है ण में, तो हो गया टुकड़ा, एक दो तीन चार पाँच छः, तो टुकड़ा में कितने वर्ण हुए, छ वर्ण, ठीक है, टुकड़ा आ गया समझ में। इसी प्रकार दयालु लिखिए, दयालु ल में बड़े उ की मात्रा नहीं होगी, छोटे उ की मात्रा रहेगी, इसको हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे, दयालु इसका वर्ण विच्छेद कीजिए, द हलन प्लस अ प्लस य हलन प्लस आ प्लस ल हलन प्लस उ, छोटा उ है इसलिए यहाँ पर छोटा उ होगा, दयालु। इसी प्रकार सिकार, सिकार में क्या होगा, तालव्य स्वर, ठीक है, तालव्य स्वर, इसका उच्चारण स्थान क्या है, बड़ा सा है, इसको हम बोलेंगे श, तालव्य, जीभ हमारी तालु से टच हो रही है, ठीक है, बोलकर देखिए आप सभी श श, ठीक है, तो यह है हमारा तालव्य स्वर, और जो छोटा सा होता है उसे आराम से बोलेंगे स, तो जब छोटा सा बोलेंगे तो जीभ हमारी दांतों से टच हो रही है इसलिए इसको आराम से बोलेंगे स स, बोलकर देखिए, और छोटा सा को हम लोग छोटा सा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दंत स। इसके बाद एक आता है मूर्धन्य स, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका तालव्य स, ये है दंत स, और ये है मूर्धन्य स। मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है, इसे जब हम बोलेंगे तो जीभ हमारी मूर्धा से टच होगी, ये जो तालु है इसके पीछे, ठीक है, बोलकर देखिए श, जीभ हमारी ऊपर की ओर मुड़ रही है, समझ में आ रहा है, ऐसे आप सभी बोलकर प्रैक्टिस कर लीजिए, वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं सभी के उच्चारण स्थान आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, तो इसे हम बोलेंगे मूर्धन्य स, तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स, ठीक है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। तो सिकार, सिकार का वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे, श तालव्य स हलन प्लस छोटी की मात्रा है, छोटी ई प्लस क हलन प्लस आ प्लस र हलन प्लस अ। सिकार, सिकार में कितने वर्ण हैं, एक दो तीन चार पाँच छः वर्ण, तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आप सभी के समझ में अच्छे से आ गए होंगे और आप इन अभ्यास के प्रश्नों को अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है बच्चों, आज आपका ये पार्ट 12 समाप्त हो गया, चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।